आप सभी मेरे साथ केंद्रीय बजट पढ़ रहे हैं और केंद्रीय बजट में मैंने आपको अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें अब आप क्रम से देखते जाएं। सबसे पहले मैंने बजट का आकार आपको बताया था पिछले सेशन में कि बजट का आकार कितना है, 48,20,512। याद करते जाना है अब साथ साथ क्लास के, है ना। मेरी क्लास का मतलब है साथ में याद करना। इसके बाद राजस्व व्यय कितना है, और मैंने आपको बताया था बजट व्यय को दिखाता है। जब हम इतना व्यय करेंगे तो इतनी आय भी कहीं ना कहीं से सृजित करेंगे। तो 48,20,512 करोड़ का बजट है। ये करोड़ में है सारा डिजिट, जिसमें राजस्व व्यय हम 76.95 करने जा रहे हैं। पूंजीगत बजट हमारा जो है ये 11,11,111 करोड़ का है, अब तक का सर्वाधिक है। 23.05% ये है आपका, ये व्यय आपका है। और मैंने आपको बताया था कि चार समूहों को लक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था उसी में से युवा, गरीब, महिलाएं और किसान, चार मुख्य विषय हैं, चार मुख्य थीम है। रोजगार सृजन हो, कौशल प्रशिक्षण हो, एमएसएमई सेक्टर हो, मध्यम वर्ग पे काम किया जाए, इन सबको लेकर के मुख्य तौर पे ये चार मुख्य विषय हैं, चार थीम हैं और 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहला एग्रीकल्चर उत्पादकता अनुकूलता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान विकास और अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये आपके अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम एक एक प्राथमिकता को लेते हैं। देखिए, पहली प्राथमिकता आपकी कहाँ से जुड़ी हुई है? पहली प्राथमिकता है आपकी कृषि एवं उत्पादकता अनुकूलता। पहली आपकी है कृषि क्षेत्र को लेकर, कृषि एक एक अब जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलता, अब इसके अंतर्गत बजट में क्या क्या बातें कही गई हैं आपको कम से कम रफली चीजें पता होनी चाहिए, रफली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए सारी की सारी। क्या क्या गवर्नमेंट ने इसको लेकर काम किया? सबसे पहली चीज सरकार ने कहा कि हम कुछ नई किस्म, बजट में, बजट की बात कर रहे हैं, हम नई किस्मों के विकास करेंगे, नई किस्मों का विकास करेंगे, विकास करेंगे। मैं सारे पॉइंट आपको यहाँ पर एक एक करके लिखूंगा, अभी इनको डिटेल भी करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी गैप में लिखिएगा चीजों को, पॉइंटों को, जितने भी बातें कहूँ। दूसरा, सरकार ने कहा हम दलहन और तिलहन के क्षेत्र में काम करेंगे, दलहन एवं तिलहन, थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ते चलेगा, थोड़ा गैप में लिखिएगा इसको, कि अभी इनके अंदर बात करेंगे। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में काम करेंगे। और एक बात जो गवर्नमेंट ने और इसमें कही कि हम जो है अनुसंधान क्षेत्र पे काम करेंगे, कृषि अनुसंधान पे काम करेंगे। अभी कृषि अनुसंधान में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, तो कृषि अनुसंधान, जितने भी नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, अनुसंधान एवं नवाचार कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जिस तरीके से भारत में जलवायु का पैटर्न है, उस आधार पे किस्मों को बढ़ावा दिया, और इसके लिए कृषि अनुसंधान का सबसे बड़ा काम करना है, ठीक है। दूसरा, सरकार ने कहा कि हम इसमें निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित करेंगे, कृषि अनुसंधान में हम क्या करेंगे, निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा, कृषि अनुसंधान पर एक चीज रखिए। और एक पॉइंट जो और यहाँ पर निकल के आता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सरकार कह रही है कि हम सहकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय सहकारिता नीति की ओर काम कर, एक नई नीति लाई जाएगी, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, एक नीति हम और लेकर आएंगे। और एक बात जो और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो है सरकार कह रही है कि हम सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करेंगे, सब्जी उत्पादन और साथ में सब्जी उत्पादन भी हो और उत्पादन के साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत तेजी से हो। ट्रांसपोर्टेशन को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला। ये 5 पॉइंट हैं एग्रीकल्चर में, नई किस्मों का विकास किया जाए। तो सरकार ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, 32 कृषि की और बागवानी की और एक, मतलब
अलग अलग जो है पैदावार बढ़ाने वाली किस्मों को हम लोग बेहतर करेंगे। आप सब लोग साथ साथ लिखते जाने वाले हैं। हाँ, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, ये करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें मैं बजट पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बजट पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे नई किस्मों की विकास की बात जब आती है तो नई किस्मों में गवर्नमेंट करीब 32 कृषि की और 109 बागवानी की, शायद ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, नई किस्मों को हम विकसित करेंगे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बजट में एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको पहली चीज क्रिएट करनी है, 32, और ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, बिना नंबर के बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 नई कृषि की और 109 बागवानी की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल, ये कैसी किस्में होनी चाहिए, इनसे क्या होना चाहिए, एक तो पैदावार बढ़े, उच्च पैदावार। आप देखते हैं इतनी सारी कृषि किस्में हैं, गेहूं की अलग है ना, उच्च पैदावार, पैदावार पहले किस्म, और दूसरा जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, जलवायु अनुकूल। एक चीज तो ये दिमाग में बैठा लो, दलहन और तिलहन में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सरकार का यहाँ पे क्या लक्ष्य, क्या करना चाहती है सरकार, कह रही है कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता लाना चाह रहे हैं। पहला काम टारगेट क्या है, आत्मनिर्भरता, कई बार हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमें तीन काम करने पड़ेंगे, तीन काम, एक तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उत्पादन के लिए नई किस्मों का भी सहारा लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें भंडारण का पे काम करना पड़ेगा, भंडारण और विपणन। आत्मनिर्भरता हमें लानी है दलहन और तिलहन की फसलों पर, ठीक है, इसके लिए हमें जो है कार्यनीति बनानी पड़ेगी, कई प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि सूरजमुखी, जैसे कि सरसों, मूंगफली, तिल, तिलहन, इनके लिए कार्यनीति बनाई जाएगी। मतलब सरकार जो है कई सारी फसलों, जैसे सरसों की फसल है, नई कार्यनीति की आवश्यकता है, इसके लिए मैं ये लिख देता हूँ, नई कार्यनीति किसके लिए, कई सारी फसलों के लिए, सरसों के लिए है ना, सूरजमुखी के लिए, सोयाबीन के लिए, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, ठीक है, ये सब आपकी तिल तिलहन फसलें हैं, मूंगफली, तो नई कार्यनीति बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर अनुसंधान के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से काम करेंगे। सरकार कह रही है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता को और बढ़ाना है। अभी विश्व में खाद्यान्न फसलों में हम विश्व में देखा जाए तो कई जगहों पे नंबर एक है, पहले नंबर पे आते हैं। तो सरकार कह रही है उत्पादन को और बढ़ाना है, धीरे धीरे देखो जनसंख्या भी बढ़ रही है, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा दबाव भी है। दूसरा, जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास, मैंने आपको किस्म सबसे पहले बताया है, तो हमें नई किस्में भी बनानी है, नई किस्म भी डेवलप करनी है, ठीक है। अब ये जो नई किस्म बनानी है, उत्पादन को सपोर्ट करेंगी, इसके लिए हमें एग्रीकल्चर कृषि अनुसंधान पे काम करना पड़ेगा, कृषि अनुसंधान पे काम करना पड़ेगा, नवाचार पे काम करना पड़ेगा, इसके लिए रिव्यू करना है हमें, ठीक है। सरकार चाह रही है कि यदि हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हैं तो हमें इसकी व्यापक समीक्षा करने की जरूरत है, और इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेंगे, निजी क्षेत्र के का सहयोग, प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट करे कि हम बहुत तेजी से बदलाव चाहते हैं, हम बहुत तेजी से इसको बेहतर करना चाहते हैं, लोगों को सहकारिता के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो सरकार का कहना है कि इसके लिए हम एक नीति लेकर के आएंगे, एक पॉलिसी लेकर के आएंगे, हम इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लेकर आएंगे, नीति आपकी आ जाएगी अभी जल्दी। तो सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास किया जाए, वहाँ पर रोजगार, ये नीति क्या करेगी, दो काम करेगी, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता यहीं का गुण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं कम से कम ये लिखते जाना, और रोजगार सृजन करेगी, रोजगार सृजन करेगी, ठीक है, बहुत तेजी से सृजन करेगी रोजगार।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखते हैं सब्जियों के साथ सबसे ज़्यादा एक जो हमें महंगाई देखने को मिलती है, कभी टमाटर के रेट बढ़ गए, आमतौर पर होता है प्याज के रेट बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार करिए हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करेंगे, ठीक है, और इसके लिए सरकार ने बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है, ठीक है। सरकार करी सब्जी उत्पादन क्लस्टर को डेवलप करेंगे, सब्जी उत्पादन क्लस्टर का विकास का विकास सब्जी उत्पादन क्लस्टर का विकास करेंगे। इसके लिए कृषि से जितने भी कृषि के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, पैसा भी आप लिख सकते हैं 1.52 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटित किया गया, 1.52 लाख करोड़ रुपया आपका जो है यहाँ पर आवंटित किया गया है। और साथ ही सरकार चाह रही है कि जो उपज होगी उसका संग्रहण किया जाए, भंडारण किया जाए, विपणन, विपणन मतलब व्यापार, ठीक है। सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। हमें एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा यदि हम इन तीनों को साथ में लेकर चलेंगे। बहुत सारे आपके क्या बने हुए हैं, किसान उत्पादक संगठन है, किसान उत्पादक संगठन, ठीक है। दूसरा सरकार क्या काम करना चाह रही है, जो सहकारी समितियां और स्टार्टअप हैं, सहकारी समितियां और साथ में स्टार्टअप जो इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से लगे हुए हैं, इन तीनों को लेकर के साथ में काम करना है हमें, तब हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें एक दो पॉइंट और जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, प्राकृतिक कृषि। अगले 2 वर्षों में देश में 1 करोड़ किसानों को सरकार जो है क्या करना चाह रही है, प्रमाण पत्र सर्टिफाइड करके ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि शुरू करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए जैव आदान संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती को हम दूसरे शब्दों में जैविक खेती भी कह सकते हैं, जैविक खेती, इसको सरकार बढ़ावा देना चाह रही है, ठीक है। देखो अचानक से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या करना चाह रही है, एक तो किसानों को प्रमाणित करना चाह रही है कि ये प्राकृतिक कृषि से लगे हुए हैं, प्रमाणित प्लस ब्रांडिंग, इन दो पे काम करेंगे हम, ब्रांडिंग। अभी आपको पता है इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड एक बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड बनाया गया है, उसके कई सारे उत्पाद अभी हमारे जो गृह मंत्री थे उनके द्वारा, उनको टाइम हो गया थोड़ा सा। दूसरा जैव आदान संसाधन केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर डेवलप किया जाएगा, जैव आदान संसाधन केंद्र, ये आपका स्थापित करने की बात यहाँ पर हुई है, और कोशिश यही है कि बहुत तेजी से इन पे काम किया जाए। लगभग 10,000 से ज़्यादा, मतलब ये बनाए जाए, कितने बनाए जाए, 10,000 के आसपास ये संस्थाएं आपकी बनाई जाए जगह जगह पर, ताकि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। झींगा उत्पादन पे हम काम करेंगे, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, झींगा मछली है ना आपकी, झींगा उत्पादन, झींगा मछली है तो झींगा उत्पादन पे काम करेंगे और उसका निर्यात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो झींगा उत्पादन पे, झींगा खेती, उसका प्रसंस्करण करना, उसका निर्यात करना, वित्त पोषण करने, सारी चीज़ें, तो झींगा उत्पादन पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा बजट में और क्या क्या कहा गया है, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को डेवलप किया जाएगा, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक आवश्यकता, डिजिटल सार्वजनिक आवश्यकता अवसंरचना बनाई जाएगी, माफ करिएगा मैंने आवश्यकता लिख दिया गया, अवसंरचना है, अवसंरचना, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को डेवलप किया जाएगा, आने वाले 3 वर्षों में किसान और उनकी जमीन जो भी है राज्यों के साथ मिलकर के एक मतलब डिजिटल अवसंरचना बनाई जाएगी, जिसमें एक तो फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाएगा, फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण, सर्वेक्षण
बाकी देखो किसानों की जमीनें वगैरह काफी हद तक आपकी डिजिटल हो चुकी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट काम कर चुकी है। साथ ही किसानों की जमीन रजिस्ट्री इन सबके डिजिटलाइजेशन पे काम तेजी से गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि हम साथ में क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करें, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे एक टर्म्स है, किसान KCC, किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करने का प्रयास। ये पॉइंट आप यदि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अभी जो देखो ये जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है, अभी जैसे आप निबंध भी लिखते हैं तो बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या किया गया, पहले तो बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं जिसमें से एग्रीकल्चर एक प्रमुख प्राथमिकता है, तो ये पॉइंट यदि आप लिख दे कि एग्रीकल्चर, कोई भी मेंस आंसर राइटिंग करनी है, यदि प्री में आएगा तो सीधा सीधा आंसर देना है कि नई किस्मों का विकास किया जाएगा 32 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और 109 बागवानी के क्षेत्र में, ठीक है। दलहन तिलहर पर विशेष जोर दिया गया, आत्मनिर्भर बनना है हमें इस पर। कृषि अनुसंधान के लिए उत्पादन और नई किस्मों का विकास किया जा रहा है ना, इसका निजी क्षेत्र को भी जोड़ा जा रहा है इसमें। राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आ रहा है, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पे काम करना है, प्राकृतिक कृषि और जैविक खेती, ये इस दिशा पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये सारे पॉइंट आप लिख लें तो काम हो जाएगा। बताएं सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को? तो यदि आप ये सारे पॉइंट आप पढ़ लें तो आपका एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट काफी हद तक हो जाएगा। अब दूसरा सेगमेंट आता है आपका रोजगार वाला, ये हम अगली क्लास में करेंगे। अब देखो एक एक पिलर को पकड़ेंगे, एक एक पिलर पे बात करेंगे जितना भी इम्पोर्टेंट होगा। मैं देखो बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट सेगमेंट ही बताऊंगा। दूसरा पिलर है आपका रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, इस दिशा में बजट में क्या कहा गया ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन का आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, आत्मसात कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, बाकी टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पॉइंट बहुत ईजी है, इन पॉइंटों को आपको लिख लेना है। मैं एक जिस्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बजट की एक अच्छी समझ विकसित हो पाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।